ओके ओके स्टार्ट। और यहाँ पे मिल जाता है आपको छोटा सा, यहाँ पे स्क्रीन मिल जाता है, आपको दिखा देता हूँ। ये सब मेरे में ब्लूटूथ कनेक्ट हुआ है, तो इसमें मीडिया, रेडियो और एडवेंचर पे हम क्लिक करेंगे तो सेम यहाँ पे दिखाता है मतलब कितनी तक पावर दे रहा है। ऑन रोड है, ऑफ रोड है, ऑफ रोड पे क्लिक करेंगे, ऑफ रोडिंग बैठेगा। ये सेंटर में है, देखो मैं लेफ्ट घुमाऊँगा, लेफ्ट चला गया, राइट घुमाऊँ, राइट चला गया, सेंटर में रखूँगा तो सेंटर में आ जाएगा। तो कस्टम पे क्लिक करते हैं तो जब ऑप्शन आ जाते हैं तो फिर से होम पे चलते हैं और यहाँ पे स्वाइप अप करेंगे। ये एंड्रॉयड ऑटो, मेरे को USB क्लिक करना पड़ेगा, गलती से क्लिक हो गया। तो ऐसे स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पे फ़ोन नेव कार इन्फॉर्मेशन सेटिंग मैन्यूअल, फ़ोन में हमारा फ़ोन कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपको आपका मैप मिल जाता है, यहाँ पे कार इन्फॉर्मेशन, ये देखो ओके है। नहीं, इसमें कुछ ऐप कनेक्ट करना पड़ता है जो मैंने नहीं किया है। यहाँ पे एवरेज कितना रहती है, ये है शायद। और यहाँ पे ऐसी की जो मैं बात करूँ तो काफ़ी पास में है तो काफ़ी मुझे बढ़िया लगी। और यहाँ पे हैं दो डोर, तो दोनों डोर की जो है कंट्रोल यहाँ पे हैं, ये देखो। और ये भी, और यहाँ पे आपको दो गियर मिल जाते हैं, एक तो ये अपना सिंपल वाला गियर और एक दूसरा वो ऑफ रोडिंग के लिए और उसके लिए। तो यहाँ पे एरोप्लेन की तरह हमको बटन दिए गए हैं, एयरबैग ऑन, ऑफ, सीट बेल्ट, और ये तो ऑन ही रहता है, इसे ऑफ नहीं कर सकते, ऑन ही है। तो ये क्लिक हो रहा है, तो यहाँ पे देखो ये चालू है, बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे AC के कंट्रोल्स, ये AC, ये डिस्प्ले, हम इसे फ़ोन क्लिक करेंगे फ़ोन पे, तो ये देखिए फ़ोन पे आ गया। हम किसी को भी फ़ोन लगा सकते हैं, यहाँ से बात भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है पकड़ने का हैंडल है, और यहाँ पे महिंद्रा का लोगो है और थार का है, मेड इन इंडिया विथ प्राइड का लोगो है, तो काफ़ी अच्छा लोगो है। और यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो है काफ़ी अच्छा है इसका। और स्पीकर जो है यहाँ पे सामने ही है तो बहुत अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया सुनाई देता है। और यहाँ पे बॉटल रखने का आपको मिल जाता है, मैंने भी रखी है, एक कोई भी रख सकते हैं अपन। और यहाँ पे स्पेस मिल जाता है आपको फ़ोन रखने का, ग्लासेस भी रख सकते हैं। और यहाँ पे मिल जाता है चार्जिंग का, यहाँ पे ऑडियो का, और यहाँ पे मतलब ये मोबाइल चार्जिंग का है, और ये USB का है। और यहाँ पे भी मिल जाता है आपको चार्जिंग का, मतलब उसके लिए वो दूसरा वाला एडेप्टर आता है वो चाहिए, इसे बंद कर लेते हैं, इसे मेन्यू पे रख देते हैं। और इसका यहाँ से लुक तो काफ़ी अमेजिंग है, थार का तो लुक ही अमेजिंग है, आप देख सकते हो। मुझे ये डिज़ाइन है ना वो काफ़ी बेहतरीन लगी, अच्छी लगी। और यहाँ पे भी काफ़ी बटन है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो है मेन्यू पे जाने का, ये रेडियो पे, फिर ये कॉल पे, इसे हम आवाज़ कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं आवाज़। ये पावर ऑफ का नहीं है, देखो गुड बाय पावर ऑफ हो गया, अभी इसे ऑन करेंगे ना फिर से, हो गया। फिर ये है ये वाला, तो इस पर क्लिक करेंगे तो स्क्रीन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी, मतलब बंद ही हो जाएगी, तो फिर से क्लिक करेंगे तो स्क्रीन ऑन हो जाएगी। और ये स्टार का, तो इसमें हम सबको सेटिंग मिल जाती है, सिस्टम कॉन्शंस, तो ये पता चलता है। तो चलते हैं बैक में, तो अभी 11:46 हो रही है, 12 हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बस यही रिव्यू देना था कार का।